न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले के 3 विकास खंड जवा, त्योथर तथा सिरमौर में आज द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इस दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीनों विकास खंड के 3 अधिकारियों को कलेक्टर ने निलंबन का नोटिस थमाया है। बताया जा रहा है कि त्योथर विकास खंड में एक अधिकारी नशे की हालत में निर्वाचन का कार्य देख रहे थे, जिसके कारण तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने उन्हें निलंबित किया है। इसके अलावा 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा अपने घर के प्रत्याशियों के पक्ष में एजेंट बनकर प्रचार किया जा रहा था। इसकी जानकारी लगने पर कलेक्टर ने उन दोनों कर्मचारियों को भी निलंबित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज तृतीय चरण का मतदान संपन्न हुआ है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार मतदान केंद्र के बाहर लगी रही तथा भारी संख्या में मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, परंतु इस बीच कुछ कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिले की जवा, त्योथर तथा सिरमौर विकास खंड में कार्य कर रहे 4 कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस थमाया है। दरअसल त्योथर विकास खंड के मतदान केंद्र क्रमांक 108 के पीठासीन अधिकारी महेंद्र प्रसाद शर्मा तथा सहायक वर्ग 1 जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में मतदान दल के सदस्यों से गाली गलौज की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने निलंबन का नोटिस थमाया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के द्वारा अवैध तरीके से अपने भतीजे के पक्ष में मतदान कराने को लेकर मतदाताओं को परेशान करने वाले व्याख्याता हीरामणि शर्मा को भी निलंबन का नोटिस थमाया गया है। वहीं मतदान के दौरान अपनी माता के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने शासकीय विद्यालय के शिक्षक सुखेन सिंह को भी निलंबित किया है। निर्वाचन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें लापरवाही करने और बदमाशी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक होता है, तो आज 3 लोगों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई है। उसमें से एक व्यक्ति ने मतदान केंद्र में जाकर बदमाशी की थी और पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी करने के बजाय उसने वहां परेशानियां पैदा की थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दूसरा, एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कटवा के मतदान दल में से और मतदान के अंदर वो बिना किसी अधिकारिता के एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जिन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है उनके सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंतर्गत और इलेक्शन के रूल्स के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।